उधर बड़ी खबर आई, इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला से जुड़ी। हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी कर इसराइल पर जोरदार हमले की चेतावनी दी। ये वीडियो इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला का एक प्रोपेगेंडा वीडियो माना जा रहा है, जिसमें हिजबुल्ला ने अपनी ताकत भी दिखाई और इसराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दे दी। हिजबुल्ला की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके लड़ाके खतरनाक हथियारों की नुमाइश करते नजर आए और इन्हीं हथियारों के दम पर उन लड़ाकों ने इसराइल को सीधी चुनौती दे डाली। नए साल के पहले ही दिन जारी किए गए इस वीडियो के साथ हिजबुल्ला ने इसराइल को नेस्तनाबूद करने की धमकी भी दे दी और घातक हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस वीडियो में कुछ लड़ाके एक कमरे की तरफ जाते नजर आए, वहाँ पहले से ही दो और लड़ाके मौजूद थे। वीडियो में आगे दिखा कि वहाँ एक कुरान भी रखा हुआ था और पीछे हिजबुल्ला की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों की तस्वीरें लगी नजर आईं। इसके बाद वो सभी लोग उसी गलियारे से निकलकर अपने टारगेट की ओर बढ़े। इस दौरान उन लोगों ने इसराइल के खिलाफ हुंकार भी भरी। हिजबुल्ला के मुताबिक ये वीडियो उसके लड़ाकों को दी जा रही ट्रेनिंग के दौरान बनाया गया। इसके जरिए इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में जुटे लड़ाकों की ताकत को दिखाने की कोशिश की गई, और वो भी ऐसी कि मानो आर पार की जंग छिड़ गई। हिजबुल्ला के लड़ाकों की तैयारी देखकर ऐसा लगा मानो वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। और इस वीडियो में उन्होंने अपने उस मकसद को भी सबके सामने रख दिया। इस वीडियो के साथ उन्होंने ये दावा किया कि वो यहूदियों को मारकर उनकी खोपड़ियों से जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत जुटाते नजर आए। वीडियो में दिखा कि गाड़ियों में चढ़कर हिजबुल्ला के लड़ाके एक सुनसान जगह पर पहुंचे और वहां उन्होंने पहले गोलियां बरसाई। इसके बाद वहां मोटर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें गर्जी। इस बीच उनमें एक लड़ाका बिजली की रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर चढ़ता दिखा और वहां चढ़कर उसने दुश्मन को ढेर करने की प्रैक्टिस की। इस दौरान कभी वो लड़ाके सुरंगों से निकलते दिखे तो कभी उन्होंने वहां जोरदार धमाके की। इस बीच हिजबुल्ला के लड़ाकों को खंडहर नुमा इमारतों में घुसकर लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग भी दी गई, क्योंकि गाजा समेत पूरे इसराइल में कई ऐसे इलाके हैं जहां संकरे रास्तों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें पूरी तरह तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसराइल में घुसकर हमलों को अंजाम दे सकें। और हिजबुल्ला के इस वीडियो के बाद इसराइल भी आग बबूला हो गया। इसके बाद इसराइल की वायुसेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला बोल दिया। इसराइल ने हिजबुल्ला को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया और सीना ठोक के कहा कि उसने ही लेबनान के कफर किला इलाके में घुसकर हिजबुल्ला को गहरी चोट दी। क्योंकि जो वीडियो इसराइल ने जारी किया उसमें एकदम शांत उस इलाके में अचानक एक जोरदार धमाका होता सुनाई दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे निकली धूल और धुएं ने आसपास के 4-5 घरों तक को ढक दिया। वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि विस्फोट के बाद उस घर की हालत क्या हुई होगी, क्योंकि जैसे ही उस घर पर मिसाइल गिरी उस घर की दीवारें टूटकर हवा में उड़ गई। इसराइल के मुताबिक उसने जिस घर पर मिसाइल गिराई वो चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला का एक गुप्त ठिकाना था और इसराइल के मुताबिक इसी वजह से उस घर को निशाने पर लिया गया। लेकिन इसराइल यही नहीं रुका बल्कि उसने हिजबुल्ला के जख्मों को और कुरेदने के लिए इसी हमले का एक दूसरा वीडियो भी जारी कर दिया और इस वीडियो में एक नहीं बल्कि दो घर तबाह होते नजर आए। इससे पहले कि पहले घर से निकला धुआं आसमान तक पहुंच पाता उसके पास मौजूद एक और घर धमाके का शिकार हो गया। उस घर से तो आग का ऐसा गोला निकला कि सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसे देखकर लगा जैसे उस घर में बारूद रखा हो। इसके बाद इसराइल ने इन हमलों का एक सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में इसराइल के निशाने पर मौजूद वो घर पूरी तरह तबाह होता नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसका एक भी हिस्सा बाकी नहीं बचा होगा। इसराइल की सेना के मुताबिक इन ठिकानों से हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल की सीमा पर आतंक फैलाने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते इसराइल ने उनके बारूदी अड्डों को ही उड़ा डाला।